सो गाइस वेलकम टू डैशिंग ऑटो। आज लेके हैं काफी कमाल की ऑटो अपडेट्स को लेके। काफी दिनों बाद आ रहे हैं, मंडे से शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी जो है बीच बीच में थोड़ा शायद आपको ना देखने को मिले क्योंकि न्यूज जो है थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। बाकी दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला और काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है ऑडी की तरफ से। ऑडी Q3 स्पोर्ट्स बैक दोस्तों, ये स्पोर्ट बैक है बेसिकली, लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। अब दोस्तों इसका प्राइस आया है 51.43 लाख रुपीज स्टार्टिंग। तो काफी अच्छी गाड़ी है ऑडी है, नाम देख के हम कह सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं इसके इंजन की तो 2.0 लीटर का इसके अंदर नया इंजन आया है, टर्बो पेट्रोल इंजन दोस्तों स्टैंडर्ड एसयूवी के अंदर, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों अगर मैं इसके थोड़ी सी स्पेक्स की और बात करूं तो यहाँ पे आपको 190 एचपी की पावर मिल जाती है, साथ में 320 नैनोमीटर का टॉर्क मिल जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाएगा यानी कि डीसीटी, तो ये सीरियसली काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों 7.3 सेकंड में 0 to 100 पकड़ लेती है ये गाड़ी, और कंपनी ने क्लेम किया है इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्पीड जाएगी 220 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत जबरदस्त है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते कर पाएंगे जल्दी ही। अब दोस्तों एक कमाल की यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है रेनॉल्ट निसान इंडिया की तरफ से। दोस्तों रेनॉल्ट और निसान ने बेसिकली पार्टनरशिप कर ली है, 51% निसान का है और 49% रेनॉल्ट का है। अब दोस्तों रेनॉल्ट निसान इंडिया ने बताया है कि यहां पर वो 4 नई एसयूवीज को लेकर आने वाले हैं और 2 नई ईवीज को, इनके ऊपर काम चालू हो चुका है और काफी जल्दी हमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों दोनों की मिलके बनाई हुई गाड़ियां, लेट्स सी कैसे निकल के आती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, निसान की ज्यादा अच्छी गाड़ियां आती हैं या फिर रेनॉल्ट की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे क्या आपके पास निसान या रेनॉल्ट की कोई गाड़ी है, या आपने कभी ली थी या फिर आपके आसपास किसी ने ली है, कैसी क्वालिटी लगती है आपको बताइए जरूर कमेंट्स में। वैसे इस कमाल का अपडेट निकल के आ रहा है ह्यूंडे की तरफ से, ह्यूंडे वर्ना दोस्तों ये नई वाली है, ये टीज हो चुकी है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं पीछे से दिखा देता हूँ, काफी अच्छी लग रही है दिखने में। इसमें 2 पेट्रोल इंजन आएंगे जैसे मैंने आपको कंफर्म कर दिया था, इसमें डीजल इंजन नहीं आएगा इस बार। बाकी दोस्तों 4 अलग अलग वेरिएंट कंफर्म हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं प्राइस अनाउंसमेंट जो है वो अप्रैल या मई के बीच में होने वाला है, तो अभी जो है सिर्फ बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी है। बाकी दोस्तों गाड़ी जो टीज हुई है बहुत जबरदस्त लग रही है दिखने में, सीरियसली काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों बता दूं इसके अंदर जो बुकिंग अमाउंट है वो है 25,000 रुपीज, आप देख के इसे बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों मई के एंड तक ही ये सेल पे जाने वाली है, सो लेट्स सी कि क्या प्राइसिंग आती है। अब दोस्तों इंजन की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर एक आएगा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि पहले से ही आता है, एक आएगा 1.5 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल टर्बो पेट्रोल इंजन। दोस्तों ये काफी जबरदस्त होने वाला है बताया जा रहा है, इसकी काफी ज्यादा बढ़िया पावर होगी। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये वाला जो पेट्रोल इंजन होगा 160 एचपी की पावर प्रोड्यूस करेगा, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7 स्पीड डीसीटी के साथ में आएगी ये गाड़ियां। और दोस्तों जो नॉर्मल वाला मैंने आपको इंजन बोला है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि होगा नेचुरल एस्पायर्ड इंजन, जिसके अंदर भी आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है, इसके अंदर आपको इसके अलावा आईवीटी या फिर सीवीटी देखने को मिल सकता है। तो जो बड़े वाला होगा टर्बो पेट्रोल वाला, उसमें आपको मिलेगा डीसीटी या फिर मैनुअल, इसके अंदर आपको नॉर्मल वाले में मिलेगा सीवीटी आईवीटी या फिर आपको देखने को मिल सकता है मैनुअल, तो थोड़ा ही पावर आउटपुट का फर्क होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के ऑटो अपडेट्स को भी ये करते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा, और टेक न्यूज जो है वो लाइव हो चुकी होगी, सो जाके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।